हेलो एवरीवन, सनशाइन हिंदी डायरो में स्वागत है सभी का। जो रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि क्या वो पर्सन आपके लिए सही है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या वो आपके लिए सही है? क्या वो आपके लिए एक लॉयल पर्सन है, एक ट्रू पर्सन है? क्या वो आपके लिए सही है? क्या है उनकी फीलिंग्स इस वक्त आपके लिए? जब भी सोचते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में, उनकी फीलिंग्स क्या होती है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर, और क्या वो आपके लिए ट्रू पर्सन है? कलेक्टिव टाइम में जनरल रीडिंग है तो ध्यान रखिएगा, जितना रीडिंग आपसे रेजोनेट हो उतना लीजिए, आप जो नहीं होता उसे इग्नोर करें। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए उन पर फोकस कीजिए जिनके बारे में आपको जानना है। क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए? क्या वो आपके लिए सही है? क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही है? फुल एरीज हो सकते हैं आपके पार्टनर। ऑल साइंस रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। यहाँ पर एरीज आया है, टू ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पिसेस, आपका या उनका साइन हो सकता है। क्या आपके पार्टनर आपके लिए सही है? ओके, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि जिस पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी हरकतों की वजह से, उनकी किसी भी हरकत के वजह से आपको पेन हुआ है। इस पर्सन ने किसी वजह से आपको पेन दिया है, आपको हर्ट पहुंचाया है। आपको हमेशा लगा था कि यस, ये पर्सन आपके ट्रू लव हैं, ये आपके सच्चा प्यार है, ठीक है? आपको हमेशा लगा था और आपको ये महसूस होता है कि ये आपके सोलमेट हैं। तो मैं आपको बता दूं, यस, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, ये पर्सन आपके सोलमेट हैं और इनका प्यार आपके लिए सच्चा है, इनका प्यार आपके लिए ट्रू है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, इशू ये है कि ये पर्सन फुल की एनर्जी में है, ये पर्सन फुल की एनर्जी में है। या अगर आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया है, आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, तो इनकी एनर्जी ऐसी थी उस वक्त, आपने बहुत ही ज़्यादा समझाने की कोशिशें की, आपके रिलेशनशिप को सब कुछ सही करने की आपने कोशिशें की, बट इन्होंने आपको वैल्यू नहीं दी, आपका रिस्पेक्ट नहीं किया। ऐसा नहीं था कि इस पर्सन ने आपका रिस्पेक्ट नहीं किया, मुझे नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपका रिस्पेक्ट करते हैं, बट इनके कुछ हरकतों की वजह से आपको हर्ट पहुँचा है, आपको पेन हुआ है, इन्होंने आपको हर्ट पहुँचाया है, जाने अनजाने में इनसे गलतियाँ हुई है, ये मुझे नज़र आ रहा है। अभी आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में हो आप दोनों टोटली, ऐसा हो सकता है, या आप दोनों का आना जाना ऐसा, यानी कि इनको ऑन एंड ऑफ द सिचुएशन रहता है, ऐसा हो सकता है। या कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन ऑलरेडी आपके लाइफ में आ चुके हैं, आपका यूनियन इनके साथ हो गया है, बट ऐसा हो सकता है कि अभी ये पर्सन का एनर्जी फुल की एनर्जी में है, यानी कि आपको सही से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आपको वक्त नहीं दे रहे हैं। अगर आप कमिटमेंट चाहते हो तो ये पर्सन आपको नहीं दे रहे हैं, ये पर्सन कंफ्यूज हैं अपने फैमिली एंड आपके बीच, अपने कैरियर एंड आपके बीच, या कोई और आप और आपके बीच ऐसा कुछ हो सकता है। ये पर्सन कंफ्यूज हैं, इन्होंने अपने हरकत की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफें दी हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट पहुँचाया है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये सब जो मैंने कहा ये सब आपने किया है और इस पर्सन को हर्ट पहुँचा है, ये हो सकता है, बट मुझे ज़्यादातर इस पर्सन के एनर्जी लग रहा है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, बहुत ही कम लोगों के लिए, ओके? तो यस, प्यार है, इस पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है, ट्रू है, इस पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है, ओके? इस पर्सन ने आपसे ट्रू लव ही किया है, इक्वल गिव एंड टेक रहा है इस रिलेशनशिप में। पर जैसे जैसे रिलेशनशिप आगे बढ़ा तो इस पर्सन को चॉइसेस मिल गई, या हो सकता है कि ये पर्सन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं आपके और कैरियर के बीच, आपके और फैमिली के बीच, ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, टू टू की एनर्जी हमें मिला है।
तो गाइस डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है, आपके लिए ट्रू है, ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं, इनका लव आपके लिए सच्चा है। ओके बट प्रॉब्लम यहाँ पर यही है कि ये पर्सन थोड़े से कंफ्यूज हैं, बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, बट बैलेंस बनाना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं ये पर्सन। ओके हो सकता है कि आप कमिटमेंट चाह रहे हो बट अभी नहीं मिल पा रहे हैं इनकी तरफ से, ये सब कुछ शॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ सही करने की कोशिशें कर रहे हैं। देखिए अगर आप यूनियन का वेट कर रहे हो, कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, एक्शन का वेट कर रहे हो, तो ये पर्सन की तरफ से आपको बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लग रहा है कि आपको ये आपका एनर्जी है, या तो आपके पार्टनर की एनर्जी है, या तो आप दोनों का ही एनर्जी है ये। आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर ये आपका एनर्जी है तो। हो सकता है कि आपको रात को नींद नहीं आती सही से, आप इनको काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो, पुराने दिनों को याद करते हो, तो आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। या ये पर्सन इतना सब कर रहे हैं ठीक है, ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, इनका ऐसा एनर्जी है जिसके वजह से आप परेशान हो, तो देखिए परेशान मत होइए। ओके परेशान मत होइए, ये आपके सोलमेट हैं, इनको समझ आएगी। आपका यूनियन दिखाई दे रहा है मुझे, अगर आप कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, यूनियन का वेट कर रहे हो, कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हो, तो वो ये सब इस पर्सन की तरफ से आपको मिलने वाला है, ये सब इस पर्सन की तरफ से आपको मिलने ही वाला है। ओके इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी क्या है पता है, इस पर्सन की एनर्जी मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन को ये रिलेशनशिप रिस्क की तरह लगता है, क्योंकि आप दोनों के बीच कुछ डिफरेंस हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी कोई एक्चुअल अफेयर ही हो यहाँ पर, मुझे नहीं लग रहा है। ओके कैरियर भी हो सकता है, इनका खुद का माइंड सेट भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकता है, जिनके बीच ये पर्सन बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, या इनका फोकस अभी कैरियर पर है, ये अपने कैरियर में कुछ अचीव करना चाहते हैं, इनको बहुत कुछ पाना है। ओके ये बहुत कुछ पाना चाहते हैं और ये अपने कैरियर में स्टेबल होकर आपके आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। ओके मुझे यहाँ पर सोलमेट का कार्ड मिला है, तो यस ये पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए सच्चा है, ट्रू है, ये आपके सोलमेट हैं, इनका प्यार आपके लिए सच्चा है। और देखते हैं हम इस वक्त क्या सोच रहे हैं, ये पर्सन आपके पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स फॉर्म यहाँ पर आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देखिए मुझे लग रहा है कि इनका पूरा फोकस इनके कैरियर पर है, इनका कुछ गोल है जो ये पर्सन अचीव करना चाहते हैं, इनका पूरा फोकस अभी इनके कैरियर पर है, और यस ये आपको स्टेबल लाइफ देंगे, एक नई शुरुआत चाहते हैं ये पर्सन खुद चाहते हैं। अभी आपको देख रहे हैं, ये दूर से ही आपको देखते हैं, आपके लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ये पर्सन आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, आपको देख रहे हैं, आप इनकी नज़रों में हो, इन्होंने आप पर नज़र बनाए रखा है। ओके हाँ इनका पूरा फोकस इनके कैरियर पर है, बट ये पर्सन ने आप पर भी नज़र बनाए रखा है। ओके ये पर्सन आपको देखते हैं दूर से ही, मुझे ना कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि अगर इनके लाइफ में कोई और है, ये अभी आ गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इस पर्सन ने आपसे कुछ नहीं छिपाया था, इस पर्सन ने आपको बताया है। ओके इस पर्सन ने आपको बताया है उस चीज़ के बारे में, इनका पहले यही था कि ये आपसे मैरिज करें, आपके साथ फ्यूचर देखते थे, और हो सकता है कि बीच में आप दोनों के बीच फैमिली आ गई, फैमिली ने इनका कहीं और तय कर दिया, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पर ये पर्सन कुछ नहीं कर पाए।
ये हो सकता है आप दोनों के बीच बहुत सारे लोग हैं, ऐसा हो सकता है, जो भी हो, बट मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये पर्सन, और आने वाले दिनों में इनकी तरफ से आपको ये देखने को मिलेगा। और निकालते हैं इस पर्सन का अगला कदम क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी लव लाइफ के लिए। मजेशियन, वाओ, एंड यहाँ पर है लवर्स, देख सकते हैं आप लोग। ओके, डेफिनेटली ये पर्सन आपके ट्रू सोलमेट हैं, इनका प्यार सच्चा है, ट्रू है, इतना ज़्यादा इन पर डाउट मत कीजिए। अगर आपको नहीं पता कि इनकी लाइफ में कोई है या नहीं, तो बेवजह इन पर शक मत कीजिए। ओके, नहीं करने आपको शक, थर्ड पार्टी कैरियर भी होता है जिसकी वजह से इन्होंने आपसे दुनिया क्रिएट की, तो बेवजह इन पर शक नहीं करना है आपको। ओके, इस पर्सन का प्यार आपके लिए सच्चा है, ट्रू है, सब कुछ सही करेंगे, पर्सन आपको मना लेंगे। अगर आप नाराज़ हो, गुस्सा हो, अगर आपके फैमिली, ये पर्सन मना लेंगे सबको। ओके, मुझे इनका एनर्जी ये दिखाई दे रहा है, ये पर्सन सब कुछ अचीव करना चाहते हैं, यानी कि अपने लाइफ में स्टेबल होकर ही आपके पास आएंगे, ज़रूर आएंगे ये पर्सन। इनका प्यार आपके लिए सच्चा है, ट्रू है। ओके, तो गाइस इन पर शक मत कीजिए, यस, इनका प्यार आपके लिए सच्चा है। तो उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना अच्छे से ख्याल रखें।